Peekaboo, every year we think of a new concept for the toddlers, and then we work the entire structure of that event based on that. So like the minute we decided we'd want to do Dances of the World, right from the invitation card, backdrop, everything is meticulously planned. We believe that dance is a form of entertainment. It kind of releases the energy, and that way you become more prone to having a good health and a good life. So that's why we took the theme, because then all the kids can dance to different tunes like salsa, waltz, jive, tribal dance, and it's a culmination of all Indian dances with Western dances. आप मेरे स्माइल से देख सकते हैं कितना एंजॉय कर रहा हूँ. मैं अभी ऑडियंस को बता रहा था, टुनाइट इज़ माय 1067th शो दैट आई एम होस्टिंग, और हर साल आई लुक फॉरवर्ड टू दिस शो, स्पेशली विद पीकाबू. मैं बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए परफॉर्म करता हूँ, अवार्ड नाइट्स करता हूँ. अभी आई जस्ट गॉट बैक फ्रॉम यूरोप, आई वॉज परफॉर्मिंग फॉर अ कॉर्पोरेट एन अवार्ड्स नाइट. पर इन छोटे बच्चों के साथ परफॉर्म करना, इनको होस्ट करना, एक अलग ही इसका मज़ा है, इसका एक इंजॉयमेंट अलग ही लेवल का है. दिस इज़ माई 6th ईयर दैट आई एम होस्टिंग दिस एनुअल शो फॉर पीकाबू. It took us 2 months to put this all together, because right from execution of sound, recording, backdrop, invitation cards, arranging all the equipments, everything put together is not an easy task when you are running a preschool. So putting the practices together, costume, sound, movement, is a really big task. So we started our practices 1 month in advance. But all the things to organize took us almost 2 months to put it all together. मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बिकॉज मतलब इन सब बच्चों को देखकर मुझे अपना बचपन याद आ रहा है, जब हम स्कूल में एनुअल डे में परफॉर्म किया करते थे. सो मच लाइक एफर्ट एंड हार्ड वर्क गोज इन टू दिस, क्योंकि बच्चों को सिखाना इज़ लाइक अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, एंड यू नेवर नो वॉट विल हैपन ऑन स्टेज. बट दीज किड्स आर अमेजिंग, दे आर डूइंग इट सो वेल, सो इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस. जैसे मैंने बोला, वो एवरी ईयर वी टेक अप अ न्यू कॉन्सेप्ट, और ये साल हमने डांस लिया है, बिकॉज डांस का कॉन्सेप्ट एकदम यूनिक है, एंड वी थॉट इट विल बी वेरी नाइस फॉर द चिल्ड्रन टू लर्न अबाउट डांस एंड अंडरस्टैंड द मूव्स. डांस इज़ लाइक अ कॉन्वर्जेशन बिटवीन द हार्ट एंड सोल, सो वेन एवर पीपल कम टुगेदर एंड डू अ डांस, इट क्रिएट्स मैजिक, एंड दैट्स वाई वी culminated this entire show based on Dances of the World. मेरा फेवरेट एक्ट अभी तक जो रहा, एक तो राजस्थानी डांस फॉर्म, एंड ऑफ कोर्स द चाइनीज डांस फॉर्म. चाइनीज स्पेशली बिकॉज जो इतने टाइनी टाइनी बच्चे बेचारे, मतलब हार्डली 1.5 फुट के होंगे, और छोटी चाइनीज टोपिया पहन के इतना क्यूटली चिन चिन चाइना मैन और मेरा नाम चिन चिन चू पे परफॉर्म कर रहे हैं. ऑसम, मज़ा आ गया. Yeah, there are a lot of acts which actually tell us that do good for the society. They're subtle acts which tell you that you know, with unity and well as with movements, it's basically fitness, all to do with fitness. So dancing makes you tone up your body, gives you posture, gives you poise,
gives you strength, gives you energy, confident level. So with all, dance is oriented with all aspects of healthiness. So I would give that view as well as a message to people that dance and be healthy. मुझे एक्चुअली इनको देखकर अपना ही एनुअल डे याद आ रहा है, बिकॉज़ उस समय मतलब सब इंसिडेंट में क्या बताऊँ, एक्चुअली मैं पूरा साल वेट किया करती थी एनुअल डे का, बिकॉज जब एनुअल डे होता तो इतना रिहर्सल्स होता है कि आपको क्लास में बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आप सारा सारा दिन रिहर्सल करते हैं और फिर फाइनली जब वो दिन आता है सो कितना टेंशन होता है और मतलब मुझे बहुत इन्जॉय, बहुत अच्छा फील हो रहा है. और एनुअल डे के जो एक परफॉर्मेंस को आप कह रहे हैं कि जो मुझे याद आ रहा है, दिस वॉज द लास्ट ईयर ऑफ माई स्कूल एंड मुझे पहली बार वेस्टर्न सॉन्ग गाने का मौका मिला था. आई वॉज चैलेंज टू सिंग अ वेस्टर्न सॉन्ग, सो वो मुझे सबसे ज़्यादा याद आ रहा है बिकॉज दैट वॉज द वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेज ऑफ माई स्कूल डेज. पीकाबू के बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि इट्स एन अमेजिंग थिंग, ये बच्चों के लिए किया जा रहा है क्योंकि, और जब जो चीज़ बच्चों के लिए की जाती है वो मतलब आप क्या कह सकते हैं, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, तो इट्स अ काइंड ऑफ वर्शिप ओनली कि आप ये ऐसा इवेंट किया जा रहा है इन मुंबई एंड आई एम सो ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ इट. As I said, मैंने स्टेज पे भी कहा था कि इट्स सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस कि इतने छोटे छोटे बच्चों को, इतनी छोटी उम्र के बच्चों को आप जब इतने इनोसेंस के साथ और इतनी मासूमियत के साथ आप जब परफॉर्म करते हुए देखते हैं, वो बिल्कुल केयर फ्री है. मतलब उन्होंने कुछ गलती भी कर दी तो उनको पता ही नहीं है कि उन्होंने गलती की, एंड दैट थिंग इज़ सो प्योर. वो इतनी प्यारी फीलिंग होती है और ये जो मोमेंट्स होते हैं ये जनरली नॉर्मली हमारी लाइफ में होते नहीं हैं, एंड ऐसे मोमेंट्स सिर्फ इस उम्र के बच्चों को, माँ बाप को रोज़ाना देखने को मिलते हैं. बट हम जैसे आर्टिस्ट हैं, हमारी लाइफ में इनोसेंस होना, प्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है. एंड आई थिंक जो पिकाबू का जो इनिशिएटिव है, जो ये इवेंट क्रिएट करते हैं, एंड इट स्प्रेड्स आउट लव एंड इट मेक्स यू स्माइल फ्रॉम विद इन, इट्स रियली लवली. पिकाबू एक्चुअली द थिंग इज द फर्स्ट टाइम आई एम हर्ड अबाउट पिकाबू, दे आर डूइंग वेरी वेल. They're doing awesome actually, and whatever they use, I just gonna wish them best of luck to move forward, and yes, it's awesome. Does that giving emphasis of everything, this is to encourage the kids and remove the stage fear, give them confidence to face the world and build up their grace. इवेंट के बारे में अगर मैं बोलना चाहूँगा तो सबसे पहले ये चीज़, यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले मैं बच्चा बन जाता हूँ, क्योंकि मुझे एहसास हो जाता है कि यार तेरे दिल के अंदर जो एक छोटा बच्चा है तो उसको क्यों दबा के रखता है, उसको खोलो, बाहर आने दो, लेट हिम एन्जॉय. आई रियली फील गुड टू बी मीन्स एट सच काइंड ऑफ अ गुड प्रोग्राम. Oh, it was fun. I really, really enjoyed it. I like these kids, you know, they have no thing in the world. They just do what they have to. Wo koi dekh raha hai, koi nahi dekh raha hai. They're doing their stuff. I loved it. I loved every moment. Have taught them all different styles of dances, so this is an introduction to them, all the children, for learning different styles of dancing. So, and I think overall they all performed very well and they really enjoyed dancing on stage, so, and removing their fear, of the stage fright. Cheering for once more, they wanted the performance to be like again and again, but because of the time short, so we could not make it, so better like next year.